हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड मी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रो आइथोलेट सीबम प्रोटीन का रियल लाइफ रिव्यू, वो भी इंडिया में पहली बार। इसी तरीके से ट्रेंड में बने रहने के लिए हमारे ट्रेंड मी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आपने इसको कब ऑर्डर किया था या प्री ऑर्डर किया था, और कब तक आपको ये आपके एड्रेस पे मिला था? आई थिंक ये जब इसका प्री ऑर्डर आया था ऑनलाइन, तब ये आई थिंक 14 या 15 को प्री ऑर्डर का ऑप्शन आया था हमारे पास, तो मैंने 15 को प्री ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद फिर ये 1 तारीख को इंडिया में लॉन्च हुआ है। लॉन्च होने के 2 से 3 दिन बाद ये मेरे पास घर पर डिलीवर हो गया था। तो आपको इस प्रोटीन के लिए जो आपने इतने दिनों तक प्री ऑर्डर करा और इतने दिन तक आपने वेट करा, उसका मेन मोटिव क्या था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी या सीबम से इंस्पायर्ड थे आप इतने ज़्यादा? डैडी मोस्टली उनका सर सीबम से डैडी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है, ही इज़ माय आइडल। सो इसीलिए तो हम इस प्रोटीन के बारे में ज़रा क्लियर कर दें। ये एक नॉर्मल आइसोलेट प्रोटीन ही है। इसको आइसोलेट सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो हमारे सीबम है वो आइसोलेट को प्रोनाउंस नहीं कर पाते ठीक से, इसलिए कंपनी ने इसका नाम सीबम आइसोलेट रखा गया है सिर्फ इसी वजह। बाकी ये प्रोटीन की कोई नई वैरायटी बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, मेन बात यही है कि हर एक स्कूप में जो कोई प्रोटीन है उसमें हमें कंटेंट्स क्या क्या मिल रहे हैं, तो हम इसके बारे में बात करें तो इस पर स्कूप प्रोटीन में हमें क्या क्या कंटेंट्स मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको 1 स्कूप के अंदर अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। इसके अंदर ग्लूटामाइन एसिड भी है जो काफ़ी अच्छा गट हेल्थ मेंटेन करने के लिए यूज होता है। कभी कभार कुछ प्रोटीन्स पीने के बाद हमको पेट में अजीब सी फीलिंग, मतलब ब्लोटिंग जिसे हम कहते हैं, ब्लोटिंग, हाँ जी ब्लोटिंग जैसा फील होता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल फील नहीं होता। अमीनो एसिड्स ए डबल ए बॉडी रिकवरी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, वो भी इसके अंदर अच्छा प्रोटीन। तो अब इसके रिव्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको इसकी मिक्सेबिलिटी कैसी लगी? मिक्सेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। यूजली हमको जो भी प्रोटीन होता है उनको शेक करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको अगर आप नॉर्मली मिक्स भी करोगे तो भी बहुत ईजिली मिक्स हो जा रहा है। तो मिक्सेबिलिटी तो हुई, इसके बाद टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टेस्ट मुझको बहुत अच्छा लगा, सिंपल सोबर। लोग प्रोटीन पीने के बाद मतलब एक टाइम के बाद बोर हो जाते हैं उसके टेस्ट से, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल स्मूथ टेस्ट है और बिल्कुल भी पार्टिकल्स नहीं होते पीने के बाद। बाकी प्रोटीन्स और इसमें ये जो हमारा आइसोलेट आया है, इसमें डिफरेंसेस क्या बताना चाहिए, कुछ की पॉइंट्स अगर हो तो? की पॉइंट्स बेसिकली मिक्सेबिलिटी बहुत अच्छी है और इसका आफ्टर यूज इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। बॉडी काफ़ी स्टेबलाइज फील करती है, काफ़ी रिलैक्स फील करती है कि जैसे हमारी मसल्स रिकवर कर रही है उस टाइम पर, हमारी मसल्स रिकवर कर रही है उस टाइम पर।